Me Soumya and welcome to day 4 of Diwali. Well, I know ये video थोड़ा सा late है दिवाली के लिए, इसलिए मैं आपके लिए एक amazing recipe लेकर आई हूँ जिसको preparation time less than 10 minutes है, आपको ज़्यादा ingredients की ज़रूरत भी नहीं है और साथ ही साथ the best part is that आपको इसको पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. Yes, it's a fireless recipe. So, without any further ado, let's go and get started, shall we? So let's see the ingredients of how to make our coconut petha laddu. Coconut petha laddu banane ke liye main yahan par kesar pethe ka istemal kar rahi hu jisko maine grate kar liya hai. Aap chahe to koi aur flavor pethe ka bhi istemal isme kar sakte hain. Sath hi main isme grated coconut yahan pe lungi aur extra flavoring ke liye main yahan par isme ye chopped almonds aur kuch kishmish le rahi hu. Aap chahe तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं. आओ मैं अपने ग्रेटेड पेठे में कोकोनट ऐड करूँगी और थोड़ा सा मैं बाद के लिए बचा लूँगी. ऑल्सो आई विल ऐड द नट एंड मिक्स एवरी थिंग टुगेदर. क्योंकि पेठे में ऑलरेडी चाशनी होती है इसलिए हमें किसी एक्स्ट्रा स्वीटनिंग एजेंट को डालने की ज़रूरत नहीं होती है और चाशनी की ही वजह से हमें इसमें घी डालने की ज़रूरत नहीं होती है. अगर आप कलर लड्डू बनाना चाहते हैं तो आप उसके लिए वाइट पेठा ले लें और उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट फूड कलरिंग डाल के डिफरेंट डिफरेंट कलर के पेठे को बना सकते हैं. सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट मेकिंग अ लड्डूज. आई एम हियर मेकिंग मीडियम साइज लड्डूज बट आप साइज अपने अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं. लड्डू बनाने के बाद हमने जो ग्रेटेड कोकोनट बचाया था मैं उसमें इस लड्डू को रोल करूंगी. नाउ रिपीट द सेम स्टेप एंड प्रिपेयर रेस्ट ऑफ योर लड्डूज. योर डिलीशियस पेठा लड्डूज आर रेडी इन लेस देन 10 मिनट्स. तो थी ना ये रेसिपी कितनी आसान और झटपट. वेल, इस रेसिपी को सिर्फ बनाना ही आसान नहीं है, ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी है. सो डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई और आप अपने गेस्ट को सर्व करें एंड अपने ऑनेस्ट रिव्यूज़ मेरे साथ शेयर करें. दिस रेसिपी इज़ परफेक्ट एज अ लास्ट मिनट स्वीट डिश. कोई गेस्ट आ रहे हैं एंड आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या बनाओ, वेल दिस रेसिपी इज़ परफेक्ट फॉर दैट. So yeah, that is it for today, you guys. I really hope that आपको ये last minute Diwali recipe बहुत पसंद आई होगी. Definitely give it a try. Click a picture and post it to my social media so that I might also see you. Also, अगर आपने मेरे दिवाली की पिछली 3 videos नहीं देखी है, then you can still watch it. The link for that is in the description box below. और साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू वॉच दी लास्ट ईयर दिवाली वीडियोस. आई पोस्टेड सम स्वीट डिशेस एंड सम दिवाली डेकोर आइडियाज आल्सो. सो डेफिनेटली वॉच देम. ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप और इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको अपडेट मिलता रहे. So yeah, that is it, guys. I really hope that you all had a prosperous and a wealthy Diwali this year. Until then, thank you so much for watching, and I will see you very soon. Bye. Happy Diwali.